वेलकम टू टोरंटो। डॉक्टर वंस अगेन, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज फाइन। अगर आप नए इस चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम रहते हैं ड्रोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, ड्रोन रूल्स, ड्रोन रेगुलेशन, इसके अलावा टेक से हमारा मतलब होता है जो फोन्स और कैमराज एंड एवरी थिंग विच आई यूज़, तो भी मैं शेयर करता हूँ अपने एक्सपीरियंसेस, और जिससे आपको मदद हो जाती है अपने टेक्निकल प्रोडक्ट्स लेने के लिए। तो सबसे पहले तो सबको दिवाली की बहुत मुबारकें और हैप्पी दिवाली टू ऑल। आपकी दिवाली शुभमय हो और हर साल आपकी दिवाली बढ़िया रहे, और इस साल के लिए आपकी बहुत बहुत दिवाली की मुबारक। तो आज शुरू करते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आपके M30S से मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ, एज ए फ़ोन ही नहीं एज ए वीडियो ऑल्सो, क्योंकि काफ़ी डिमांड में है फ़ोन, ये तो क्लियर हो गया है, काफ़ी लोगों को उत्सुकता है, और आपने इस वीडियो पर क्लिक किया तो इसे भी पता लग रहा है कि अभी भी इस फ़ोन की बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। कारण इसके क्या है, क्यों है ये इतना क्रेज़ में, और कुछ एक दो क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे थे वो भी मैं इसमें आंसर करने वाला हूँ। और ये वीडियो आप ज़रूर देखें, एंड तक देखें, आपको मदद मिलेगी। आपके मन में विचार आया है M30S को लेने का, और मैं इस पर काफ़ी डिटेल में वीडियोस और इसके सारे एस्पेक्ट्स पे वीडियो बना चुका हूँ, सब कार्ड्स के ऊपर है। अगर आप देखना चाहते हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई डेडिकेटेड इस फ़ोन को लेने के लिए, अगर आप ये वीडियोज़ देख लेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, ये पहले ही आपको क्लियर कर दूँ कि ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है, बहुत ही बेहतरीन फ़ोन है, मिड सेगमेंट में इससे बढ़िया ऐसे फीचर वाला फ़ोन है ही नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाई इट इज़ सो पॉपुलर। पॉपुलर का कारण, पॉपुलरिटी का इसका कारण यही था सबसे बड़ा, कि एक तो इसमें इन्होंने 6000 mAh की बैटरी लगा दी है, जो कि किसी फ़ोन ने नहीं लगाई है, और सिर्फ ये नाम के लिए नहीं है, ये सच में 2 दिन का बैकअप देती है। जिसको बैकअप नहीं मिल रहा है तो वो मेरा वीडियो देखे जिसमें मैंने बताया कि इसका आप बैकअप कैसे ले सकते हैं। अगर आप वो टिप्स फॉलो करेंगे, ये टिप्स gadgetmadam.com पर भी है, जो कि ये वीडियो आपके तक लेकर आए हैं, gadgetmadam.com, उस पर जाके आप ज़रूर विज़िट कीजिए, तो उसमें भी सब कुछ आपको रिटेल में मिल जाएगा, ब्लॉग साइट है। तो बेसिकली इसका 2 दिन का अगर आप वो टिप्स जीत जाएंगे तो किसी भी फ़ोन पर आपको 1.5 दिन का अपने आप बैकअप मिलना शुरू हो जाएगा, मतलब आपका बैकअप इम्प्रूव हो जाएगा अगर आप वो टिप्स फॉलो करेंगे। और इस पर तो आपको 2 दिन का विद मैक्सिमम गुड यूज़ आपको बैकअप मिलेगा ही। तो सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन मैं लूँगा कि ये क्या गेमर्स के लिए ये फ़ोन सही है, और अगर गेमर्स ने ये फ़ोन लेना है 4GB लिया जाए या 6GB वर्जन लिया जाए, ये भी काफ़ी सवाल मेरे पास आया हुआ है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैं भी गेमिंग करता हूँ और मेरे पास 4GB वर्जन है, और इसको खेलने में वाईफाई पे अगर मैं खेलता हूँ तो कोई हीटिंग इशू नहीं है। ये नॉर्मल सी बात है फ्रेंड्स, जब आप वाईफाई से हटकर अपना डाटा यूज़ करेंगे, 4G जियो 4G या एयरटेल 4G जो भी यूज़ करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इसके प्रोसेसर को ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो उसको वहाँ से पैकेट्स उठाने पड़ेंगे इंटरनेट के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, जैसे पबजी ऐसी गेम है जो ऑनलाइन गेम है जिसमें इंटरनेट यूज़ होना है, तो उस गेम को खेलने के लिए अगर आप 4G पे खेलेंगे तो डेफिनेटली 2 जगह इसका काम होगा, तो डेफिनेटली हीटिंग इश्यूज आएंगे। पर ऐसा नहीं है कि ये परफॉर्म नहीं कर रहा, उसमें भी ये परफॉर्म कर रहा है। तो मैंने दोनों तरफ से इसमें गेमिंग करी है, 4GB में करी है, और मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स ही लेकर आया है। तो अगर आप कोर गेमर नहीं है, मतलब आप गेम्स पसंद करते हैं, फ्री टाइम में गेम्स खेलते हैं, पबजी जैसी गेम्स भी खेलते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप 24 घंटे गेम्स खेलते हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव टाइप्स के गेमर नहीं है, तब आपके लिए 4GB वर्जन काम करेगा, क्योंकि सब कुछ इसमें है। सबसे बढ़िया मुझे इसका पर्सनली डिस्प्ले लगता है, जो कि सब टॉप एंड फ्लैगशिप्स में, इवन एप्पल, मेरा मेन फ़ोन आईफोन है, आईफोन एक्सेस, इसमें भी जो पैनल है ये सैमसंग का बनाया हुआ है, तो पैनल्स में सैमसंग की खासियत है, स्पेशलाइजेशन है, तो इसका पैनल मुझे अपने आईफोन से भी ज़्यादा पसंद है, जिस डिस्प्ले OLED डिस्प्ले बहुत ज़बरदस्त है। तो बेसिकली गेमर्स के लिए फ़ोन है, खेल सकते हैं, सिर्फ वही लोग 6GB का वर्जन लें, 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करें, जिन्होंने बहुत ही तगड़ी कॉम्पिटिटिव गेमिंग 24 घंटे करनी है, अदरवाइज आपके सारे काम ये 4GB वाला वर्जन करेगा। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये रहेगी, 4GB लें या 6GB लें, तो आप गो फॉर 4GB वर्जन, दिस विल गिव यू एवरीथिंग, गेमिंग, फोटोग्राफी, सब कुछ। तो ये एक सवाल था कि क्या ये फ़ोन गेमर्स के लिए है, तो आंसर निकल के आया यस। दूसरा सवाल था 4GB लें या 6GB लें, तो आंसर है 4GB आपके सारे काम कर देगा, 6GB सिर्फ तभी आपने लेना है जब आपको मतलब कॉम्पिटिटिव गेमिंग करनी है बहुत ज़्यादा, मतलब आप 24 घंटे में से 15-16 घंटे खेलते ही रहते हैं गेम्स, और वो गेम्स आप स्ट्रीम करते हैं या जो भी, मतलब उस तरह की लेवल की, आप समझ गए ना क्या। अदरवाइज़ अगर आप कैजुअल गेमर हैं मेरी तरह, अच्छी गेमिंग करना चाहते हैं, परफॉर्मेंस गेमिंग करना चाहते हैं, पर ऐसे नहीं है कि कॉम्पिटिटिव है,
मतलब लगे हुए हैं गेम्स में, तो उसके लिए आपको 4GB काम करेगा। अब बात आती है कैमरे की, कैमरे की बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज हैं। कैमरे का रिक्वेस्ट आई थी डेडिकेटेड वीडियो एक और बनाए, तो वो मैं डेफिनेटली बना रहा हूँ, मैं क्लिक कर रहा हूँ इसमें। बहुत ही बेहतरीन फ़ोटोज़ ये क्लिक करता है कैमरा, तो जो ये नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, अब जैसे मैंने वो वीडियो बनाया, किसी ने नहीं देखा तो आप जाके देखें, वाई सो नेगेटिविटी अबाउट दिस फ़ोन, तो प्लीज़ वो काफ़ी अच्छा उस पर व्यूज़ आ रहे हैं और काफ़ी लोग पॉजिटिव लिख रहे हैं। अब लोगों में जागरूकता हो रही है, काफ़ी लोगों ने ये फ़ोन लिया है। आपके पास ये फ़ोन है, पॉजिटिव आपको इसकी फीलिंग है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। इससे वीडियो को तो मदद होगी ही होगी, औरों का भी विश्वास बढ़ेगा इस फ़ोन में। तो मैं एज ए कस्टमर एंड पे आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा फ़ोन है, कोई भी इसमें कमी नहीं है। जो ये अफवाहें हैं, हीटिंग इशू है, टक टक होती है, कैमरा बेकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैमरा इसका इस सेगमेंट में बहुत ही बेहतरीन है। लाइटिंग का है, सॉफ्टवेयर का है, मैंने पहले बताया, ये पिक्सल पिक्सल के एक चक्करों में मत आइए। कई उन्होंने मुझे बोला है रेडमी 8 में 64 मेगापिक्सल का दे आर प्रमोटिंग दैट, तो नेवर बिलीव इन पिक्सल्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फोन्स। सिंपल एक लाइन का आंसर है आप सबके लिए जो ये सोचते हैं कि इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसमें 8 मतलब अपने मोबाइल में 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा है। पिक्सल डजेंट मैटर इन कैमरा फोन्स, ये क्लियर हो चुकी है बात, मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्यों नहीं मैटर करते, क्योंकि ये जो छोटी छोटी छेद हैं इसमें, जो कैमरा और सेंसर कितना बड़ा आप डाल लोगे यार। सोनी का बेस्ट सेंसर माना जाता है कैमरा A7S3, और अब A7S4 आया, उसकी बॉडी बॉडी विदाउट लेंस वो 3-3 लाख रुपए के कैमरे हैं, एंड वो कैमरे में 48 मेगापिक्सल हैं जो लेटेस्ट आया है, आई थिंक सो 48 और 60 के आसपास का है उसका मेगापिक्सल। जब इतना महंगा मिररलेस कैमरा आपको इतना पिक्सल दे रहा है, तो ये क्या 15-16 हज़ार में आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल सकता है क्या? दिमाग लगाइए, ये सब टैक्टिक्स होते हैं। तो बेसिकली मोबाइल फ़ोन में, पहले भी बता चुका हूँ, मोबाइल फ़ोन में क्या इंपॉर्टेंट होता है, पिक्सल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ योर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छा है इस रेंज में, आईफोन का इससे भी अच्छा है, लेकिन वो फ्लैगशिप में चला जाता है। तो अगर आप सही लाइटिंग में सही ढंग से फ़ोटो खींचेंगे तो ये इसके बराबर की फ़ोटो खींचता है। तो इससे आपको क्लियर लग जाएगा कि कैमरे में ये पीछे नहीं है फ़ोन, बहुत अच्छा फ़ोन है। तो ये कुछ सवाल मेरे पास आ रहे थे, तो फिर भी आपके में कुछ सवाल ऐसा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं रिप्लाई करूँगा। और ड्रोन लवर्स के लिए, आपको लग रहा होगा ड्रोन के वीडियोज़ नहीं आ रहे, तो देखिए आई एम एज ए यूट्यूबर, मुझे मासेस तक पहुँचना है, तो जो चीज़ पब्लिक डिमांड है, अब ये पब्लिक डिमांड है, इसके मैंने वीडियोस बनाए हैं, एक वीडियो पे डालते ही मुझे हज़ारों व्यूज़ मिल रहे हैं, पब्लिक जानना चाहती है। ड्रोन्स भी मेरा लव है, अब ड्रोन्स में कुछ नया इंडियन गवर्नमेंट नहीं कर रही, तो मैं अपने आप से इन्फॉर्मेशन नहीं बना सकता, और ड्रोन्स इतने इजीली अवेलेबल भी नहीं है कि मैं फटाफट लेके आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊँ। तो यही कारण है कि मैं थोड़ा उसमें अभी वीडियो, जैसे पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं ड्रोन से हट गया हूँ, ड्रोन्स की भी इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे काफ़ी फैंस मेरे को बता चुके हैं आपका ड्रोन पे काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन है, तो अभी कुछ अपडेट नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं अपडेट नहीं कर रहा। चैनल मुझे चलाना है, और उस पर अब मोबाइल टेक लवर्स भी आ रहे हैं इस फ़ोन की वजह से आ रहे हैं, तो जैसे मर्जी आ रहे हैं, जो उनकी क्वेरीज होती है मैं सॉल्व करता हूँ, तो प्लीज़ नाराज मत होइए। और ड्रोन्स पे भी वीडियो आएंगे, जैसे कुछ नई अपडेट आएगी तो ड्रोन से रिलेटेड, रेगुलेशन से रिलेटेड सब अपडेट मैं इसमें देता हूँ, ट्यूटोरियल्स भी आएंगे। तो थोड़ा बिजी लाइफ के कारण थोड़ा वीडियोस हफ्ते में 3 आते हैं, तो प्लीज़ बियर विद अस, आगे में भी ज़्यादा आएँ, तो जैसे भी टाइम मिलता है आई शूट वीडियो। सो हैप्पी दिवाली वंस अगेन टू एवरीबॉडी, एंड कोई शक नहीं है, दिस इज़ द बेस्ट मेक सेटिंग फोन, सैमसंग M30S। जय माता दी।